अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और प्याज की कचौड़ी। इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ये देख लीजिए और आगे चल के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है साबुत धनिया, ज़ीरा और सौंफ। इसको रोस्ट कर लेंगे। ये सारे एक ही क्वान्टिटी में है, एक एक टेबल स्पून है। तो इसको बहुत अच्छे से हम रोस्ट करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और इसको निकाल के मैं पिस लूँगी। फिर दूसरी तरफ मैं पैन लूँगी और उसमें ऑयल डालेंगे। यहाँ मैंने चुटकी में ज़ीरा डाला, थोड़ा सा रोस्ट इसको भी कर लेंगे। थोड़ी सी हींग चुटकी भर, तीन बड़े बारीक कटे हुए प्याज डाले हैं, सात मिर्चों का पेस्ट है, हरी मिर्चों का पेस्ट, नमक हसब जरूरत, आप अपने हिसाब से नमक डालिएगा। यहाँ मैं डालूंगी हरी मटर। मेरी भांजी आई हुई है आजकल और उसे हरी मटर बहुत पसंद है, तो हमने ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो नहीं भी। और यहाँ मैंने डाला थोड़ा सा हल्दी पाउडर, यहाँ डाला मैंने थोड़ा सा बेसन, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, मतलब एक बड़े चम्मच के अराउंड है ये। यहाँ हम बड़े 5 से 6 उबले हुए आलू शामिल करेंगे। यहाँ मैंने शामिल करा है गरम मसाला और जो हमने रोस्ट किए थे मसाले, धनिया, ज़ीरा और सौंफ, वो पीस के मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने एक चम्मच शुगर डाला था, फिर उसके बाद उनको अच्छे से मैश कर दिया, मिक्स करा, अच्छे से पका लिया। फिर इसमें डाला है मैंने फाइन चॉप कोरिएंडर धनिया। अब हम इसके लिए डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा और घी, और इसमें मैदे में मैंने डाल दिया है नमक। आप घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, पर घी ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इससे ना बहुत खस्तापन आता है डो में, बहुत अच्छा रहेगा और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है, तो अगर आप घी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा पानी ऐड कर लीजिए और इसका डो बना लीजिए। बनाने के बाद आप इसको 15 से 30 मिनट तक इसको कवर करके रख दीजिए। उसके बाद आप अपना आगे का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। स्मॉल अमाउंट लेकर आप इसको रोटी की तरह फैलाएं। जैसे मैं कर रही हूँ आप भी सेम स्टेप करते जाइएगा। घी को पूरे सरफेस पर फैला दीजिए, अच्छे से इक्वली क्वांटिटी में लगा लीजिए। कर दीजिए।
इसमें फोल्ड कर दीजिए। रोटी की तरह फैलाएंगे। एक छोटी सी कटोरी में आप घी लगा लीजिए, पतली पतली लेयर लगा लीजिए ताकि इसमें आपका अपनी कैसा होता है, और इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा हाइजीन थी। और हम इस पे करेंगे अपने बॉल्स को फ्राई, जो हमने कचौरी बनाई है। इनको हम लो फ्लेम में बहुत ही धीरे धीरे फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करिए अपनी कचौरी को जब तक वो लाइट ब्राउन और गोल्डन कलर की ना हो जाए। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी एक एक लेयर देखिए कितनी अच्छे से मालूम दे रही है। अब मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।